साइकिल पोलो कोच एंड इंडिया टीम सेलेक्टर जी। 5 सालों बाद हमारे पास गोल्ड आया जी। इसको हम बोलते हैं कि स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी बहुत है। नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र रेणुकूट नगर इस समय उपस्थित हूँ हिंडाल्को के फुटबॉल ग्राउंड में। और अभी हाल ही में यहाँ के प्रतिभागी जो बच्चे हैं पोलो स्कूल नागपुर से जो पोलो गेम होता है उसको जीत करके आए हैं, वहाँ पर परचम लहराए हैं यहाँ हिंडाल्को का। मैं उन बच्चों से भी मिलूँगा जो वहाँ पर विजय हासिल करके आए हैं। कैसे उन्होंने विजय हासिल की है, क्या वहाँ का अनुभव रहा है, कैसा वहाँ का माहौल था, इसके बारे में भी जानकारी बच्चों से मैं लेता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हैं वो बच्चे जो साइकिल पोलो नागपुर से विजय हासिल करके आए हैं। काफ़ी बच्चे प्रतिभागी हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, उनमें वो टैलेंट है, उसको दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। उन बच्चों से करता हूँ रूबरू। आप अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। अंकित खरवार। आप? अमन कुमार। आप? अर्पित तिवारी। मंतिशा वांग। सालू कुमारी। सभी लोग बच्चे गए थे? देखिए, सभी ये टीम पूरी गई थी नागपुर में और वहाँ पर विजय हासिल की है। कैसा लगा वहाँ पर जा करके, आपने जब विजय हासिल की आपने वहाँ पर ट्रॉफी भी पाई है, इसके बारे में कुछ बतावाएं। हमें बहुत खुशी हुई, हमें ट्रॉफी मिला और जी, हमें बहुत अंदर से भी खुशी हुई, हमारी सारी टीम को बहुत खुशी हुई, हमारे सर को बहुत अच्छा लगा जी। थोड़ा तेज बोलें, नज़दीक से बनाइए। हाँ जी, आपका अनुभव कैसा रहा वहाँ पर? सर, वहाँ का अनुभव बहुत अच्छा था और हमने मैच भी खेला, हमने जीता भी जी। और वहाँ मतलब बहुत अच्छा मैच था जी। आप? बहुत ही बढ़िया था, काफ़ी सालों बाद हमारे पास गोल्ड आया जी। और फिर वहाँ पे मेरी सारी ग्रुप की टीम वहाँ पे विजय हासिल की है जी। देखिए, काफ़ी प्रसन्नता होती है जब विजय हासिल होती है, क्योंकि काफ़ी लोग वहां पर आए होंगे, काफ़ी टीमें आई होंगी जगह जगह के, और सभी लोगों के मन में यही होगा कि ये विजय हम हासिल करके जाएंगे। लेकिन विजय जिसको हासिल होनी होती है उसी को होती है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम बस यही कहना चाहेंगे कि हमारी सब जूनियर वर्ग में काफ़ी सालों के बाद गोल्ड आया है जी, जिसके कारण हमारी पूरी टीम में बहुत ज़्यादा खुशी है जी। आप? बहुत अच्छा है, हम लोग भी जीत के आए हैं ऑडिशन, अगली बार और कोशिश करेंगे लाने का। अच्छा, हम लोग भी अगली बार कोशिश करेंगे। देखिए, बच्चों में काफ़ी प्रसन्नता है और बहुत ही प्रसन्नता ये होती है कि यहाँ हिंडाल्को रेणुकूट का नाम अगली जगह जब वहाँ पे विजय में घोषित किया जाता है, बच्चों में काफ़ी प्रसन्नता है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कहना चाहेंगे कि अगली बार। देखिए, यहाँ पर ट्रॉफी जो मिली है उसको भी दिखाने का प्रयास करूँगा। और यही वो ट्रॉफी है जिसको ये नागपुर से विजय हासिल करके आए हैं। बच्चों में काफ़ी प्रसन्नता है और यहाँ पर इनको जो ट्रेंड किए हैं जो इनके गुरुजी हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। बच्चों में आखिर क्या होता है कि प्रतिभा जो होती है गुरुजी के ही माध्यम से होती है, क्योंकि गुरु के बिना कोई चीज़ संभव नहीं है। मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। सर जी, आप अपना परिचय दीजिए। प्रमोद तिवारी, यूपी साइकिल पोलो कोच एंड इंडिया टीम सेलेक्टर जी। मैं अब लगभग 1990 से साइकिल पोलो का खेल रहा हूँ, खुद प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, 5 टाइम इंटरनेशनल में खुद खेला हुआ हूँ जी। और अभी कोचिंग दे रहा हूँ हिंडाल्को डिस्ट्रिक्ट में और स्पोर्ट ऑफिसर भी हूँ यहाँ। ये बच्चे हमारे 16 साल बाद सब जूनियर में गोल्ड मेडल पाए हैं और इतनी खुशी की लहर है कि वहाँ 25 स्टेट पार्टिसिपेट किए थे, 25 स्टेट में यूपी में टॉप की अपनी टीम रही और पूरे भारत में नंबर 1 पे इस समय सब जूनियर की टीम है जी। और जूनियर की पूरे भारत में 3रे नंबर पे है, ओमेंस की भी 3रे नंबर पे, हमारी जूनियर गर्ल्स भी 3रे पे है, फर्स्ट छत्तीसगढ़ है और सीनियर मेंस में फर्स्ट एयरफोर्स है और आर्मी है, क्योंकि एयरफोर्स आर्मी हमारे यहाँ के 12 बच्चे यहाँ से उसमें गए हैं आर्मी और एयरफोर्स में, साइकिल पोलो के माध्यम से उनको नौकरी मिली है। इसलिए जो भी अगर है उनको हम बोलते हैं कि स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी बहुत है, लेकिन आपको उसके लिए अच्छा खेलना पड़ेगा और अच्छा जब खेलेंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी, बिना अच्छा खेले नौकरी नहीं मिलती है। और इसीलिए हम लोग को सारा जो भी स्पॉन्सर है हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड करती है, जाने आने के खर्चा से लेके साइकिल तक सारा, इसलिए हम लोग हमेशा हिंडाल्को के संग है और हिंडाल्को के साथ रहेंगे जी। देखिए, बच्चों में अक्सर ये होता है कि जब मेहनत करेंगे उस मुकाम तक पहुंचेंगे, जिस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत जी जान से मेहनत की जाती है, कामयाबी तभी मिलती है। प्रतिभाओं को दिखाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो इस समय फुटबॉल ग्राउंड में और बच्चों से बातचीत करूँगा। ट्रॉफी जब मिली आपको वहाँ पर कैसा महसूस हुआ? बहुत खुशी हुई जी, हमारी पूरी टीम को, हमारे सर को जी। देखिए, बच्चों में प्रतिभाएं होती हैं और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको पुरस्कृत भी किया जाता है और सम्मानित भी किया जाता है। सभी बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो हमारे भारत का
और हमारे समाज का नाम बहुत ही अग्रणी लिखा जाता है। और ऐसे ही बच्चों के लिए मंगल कामना करते हुए मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।